खुद जो है ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बोलने से हमेशा बचते रहे, अवगत किए, जैसे बचने का प्रयास करने करते थे हमेशा। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में आपका क्या सोच है? इस पर वो हमेशा बचते थे, खुल के कभी कुछ नहीं बोले। इसमें काफी कम बयान दिया है, खुल के कुछ नहीं बोले, बचते रहे और खुल के कुछ नहीं बोले। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं बोले, बोले हैं, बचते रहे। अगर बोले तो बचते रहे, बहुत कम, न्यूनतम। असल में जो बौद्ध साहित्य है उसको जिस तरह से टेक्स्ट बुक में लाए हैं सब, बौद्ध साहित्य को उसमें से बहुत हिस्से काट के छाट के इन सब से उसको लाए हैं, और चूंकि वामपंथी सब ज़्यादा हावी रहे हैं तो उन लोगों ने उसको दिखलाया है कि बुद्ध एक नास्तिक थे। पहले से उन लोगों ने ऐसा मूड बना लिया था कि मैं बुद्ध को नास्तिक दिखलाना है, क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी को सूट करता था वामपंथियों को। लेकिन अगर बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे, जैसे धम्मपद वगैरह है, सूत्र निपात है, ये सब मैंने पढ़ा है, तो उसमें बुद्ध ने ब्रह्मा का रेफरेंस दिया है, गायत्री मंत्र का दिया है। हाँ, आप ये सोचिए, ओम नमो पद्मे हूँ, ये बौद्धों का मंत्र है। तो ओम क्यों जोड़ते हुए, सोचने वाली बात है। अगर वे ईश्वर को मानते ही नहीं तो बौद्धों में ये ओम का नहीं रहता। अच्छा, बुद्ध के पहले भी ओम ये सब लगाते हैं, उन्होंने गायत्री मंत्र के विषय में बताया है, यमराज के विषय में बताया है, ब्रह्मा के विषय में बताया है, विष्णु के विषय में बताया है, नारद के विषय में उन्होंने चर्चा की है, स्वर्ग के विषय में चर्चा की है, नरक के विषय में चर्चा की है, पुनर्जन्म के विषय में चर्चा की है, यज्ञ के विषय में चर्चा की है। लेकिन इन चर्चाओं को साइडलाइन कर दिया गया है, उन्होंने निराकार ब्रह्म की बात की है, ईश्वर के निराकार अस्तित्व, उन्होंने निर्वाण की बात की है, ब्रह्मचर्य की बात की है। जो शुद्ध नास्तिक होता है उनको इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है, वो तो भोगवादी होता है। जो शुद्ध नास्तिक होता है उनको ये ब्रह्मचर्य से कोई मतलब नहीं होता है, निर्वाण से कोई नहीं मतलब होता है, समाधि लगाने से कोई मतलब नहीं होता है। विपश्यना बुद्ध ने बताया है, श्वास प्रश्वास बहुत सारे साधन की क्रियाएं बताई हैं। तो नास्तिक होते तो ये क्यों, ये सब नहीं होता। नास्तिक होने से इन सब चीज़ों के विषय में चर्चा ही नहीं होती। नास्तिक स्वर्ग नरक की बात करता ही नहीं, नास्तिक पुनर्जन्म नहीं मानता है, भगवान बुद्ध सब मानते थे ये सब। तो त्रिपदा गायत्री की बात भगवान बुद्ध ने किए, भगवान बुद्ध के विषय में उनको वेद अगु कहा गया है, इतनी बार कहा गया, बहुत बार, उस शब्द को ये लोग जो है हटा देते हैं, साइड, उसको महत्व नहीं देते हैं, जबकि कितनी बार वेद अगु मतलब कि जो वेद को जानने वाला है, वेद का ज्ञाता है। जो वेद का ज्ञाता है वो नास्तिक कैसे होगा, फिर वो वेद का ज्ञाता उसको कहेंगे क्यों? हाँ, तो बुद्ध जो थे वो आस्तिक ही थे, उन्होंने फिलॉसफी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने व्यक्ति की साधना पर ज़्यादा ध्यान दिया, व्यक्ति के चरित्र कैसे बदल जाए, कैसे वो साधक हो जाए और साधक से कैसे सिद्ध हो जाए, उस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। तो वे एक बहुत अच्छे गुरु थे, और बाकी लोग जो थे वे सिद्धांतों के ज़्यादा प्रचारक थे, लेकिन बुद्ध जो थे वो साधना के ज़्यादा प्रचारक थे, अंतर यही है। तो इन लोगों को ऐसे मौके मिल गए, इसलिए बुद्ध कुछ प्रश्न को नहीं करते। अच्छा, आत्मा के विषय में बात है, बुद्ध ने आत्मा के विषय में बहुत चर्चा की है। अगर वे आत्मा के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब है वे आस्तिक हैं। और जो लोग कहते नहीं वे आत्मा नहीं मानते थे, फिर वे बुद्ध पुनर्जन्म की बात करते थे, तो उस पुनर्जन्म किसका हो रहा था? हाँ, बुद्ध ने आत्मा के विषय में जब बात किया है तो अत शब्द का प्रयोग किया है पाली में, अत्तो अत्तो कहा है, तो उसको वो मानते थे। तो ये लोग जो है भरमा दिए हैं लोगों को, वामपंथी लोग जो, हाँ, वामपंथी और कांग्रेसी सब जो है ना, ये सब भरमा दिए हैं, इन लोगों ने साहित्य को उलट पलट कर दिया है। और जो नव बौद्ध हुए हैं वे लोग तो बस जो ये सब मेसराम वगैरह ये सब जो है ना, वामपंथी सब जो हैं, वाम सेफ वाले, वाम सेफ एक उचर रहा है एक आंदोलन, तो उसमें ये लोग उसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, बुद्ध को इन लोगों ने बिल्कुल ही गलत तरीके से पेश किया है। मुझे लगता है कि बुद्ध के विषय में जितनी भ्रांति फैलाई गई है उतनी किसी के विषय में नहीं फैलाई गई है,
और सबसे ज्यादा महिमा जो है ना उस गिराई गई है बुद्ध की ही गिराई गई है। बुद्ध अपने आप को धर्म के रूप में तो कभी नहीं लाए, बाद में लोग बहुत धर्म नाम बुद्ध ने तो बस सिर्फ यही सनातन धर्म की बात एक की विचार को एक साधना को उनसे पूछा भी गया कि आपका क्या धर्म है, तो उन्होंने सनातन धर्म ही बताया है, धम्म पद में स्पष्ट बताया सनातन धर्म बता रहा अपने एक साधना का विचार ऐस धम्मो सनातनो ये प्रयोग हुआ है धम्म पद के जो है बहुत मुझे लगता है कि दूसरा या तीसरा सूत्र होगा उसी में इसका प्रयोग है तो